तो आज हम लोगों की जुरिस्प्रूडेंस की तीसरी क्लास है। हम लोगों का जो आखिरी टॉपिक जुरिस्प्रूडेंस के चैप्टर में चल रहा था वो था वेरियस लीगल थ्योरीज। तो अभी मैं बोर्ड पे ना एक डायग्राम बनाऊंगा, वो आप सबको ड्रॉ करना है। कॉपी में अब तक हमने कोई नोट्स नहीं लिखा ना, अब लिखने जा रहे हैं, तो कॉपी में आ जाओ प्लीज। कॉपी में अभी तुम एक हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे, हेडिंग क्या है देखो तो वेरियस लीगल थ्योरीज, वेरियस लीगल थ्योरीज। तो वी विल ड्रॉ टेबल। टेबल कितने लाइन का होगा? अप्रोक्सीमेटली 7-8 लाइंस का टेबल बनेगा, 7-8 लाइंस ऐसे, और कॉलम बनेंगे तीन, तीन कॉलम बनेंगे। तो प्लीज टेबल ड्रॉ करना तो सबको ही। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम जब रिवाइज करने जाओगे। फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ द लीगल थिंकर, जैसे प्रोफेसर HLAR, जॉन ऑस्टिन, सैलमंड, इनका नाम लीगल थिंकर, उनकी थ्योरी का नाम, देयर थ्योरी, उनकी जो लीगल थ्योरी उसका एक नाम या टाइटल अपने देंगे, और फिर थोड़ा सा उसके बारे में हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम लोग के सामने कौन है? प्रोफेसर HLAR। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? पॉजिटिविज्म। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? पॉजिटिविज्म। ये हम लोग पिछले क्लास में किए थे। पॉजिटिविज्म का मतलब है, जब हम लोग शुरू में चालू किए थे टॉपिक, तो हम लोग कहा था कि देयर आर 5 स्कूल्स ऑफ लीगल थ्योरी। पहला नेचुरल है, फिर पॉजिटिविस्टिक है, फिर हिस्टोरिक है, फिर सोशियोलॉजिकल, और फिर रियलिस्टिक है। तो ये जो नेचुरल लॉ होते हैं, फिर पॉजिटिविस्टिक लॉज होते हैं। नेचुरल लॉज का मतलब जो मैनमेड लॉज नहीं है, और पॉजिटिविस्टिक थ्योरी बोलता है मैनमेड लॉज। तो दिस पर्सन बिलीव्ड इन मैनमेड लॉज, ही बिलीव्स इन मैनमेड लॉज। इनके अनुसार एक लीगल स्ट्रक्चर जरूरी है, एक सोवरेन और एक स्टेट जरूरी है। स्टेट मेक्स लॉज एंड स्टेट एनफोर्सेस लॉज, दैट इज हिज थियरी। सेकेंड थ्योरी जो हम लोगों ने सुना था वो था ऑस्टिन का। ऑस्टिन की थियरी का नाम क्या है? कमांड थियरी। ऑस्टिन का जो थ्योरी है वो एक्चुअली देखा जाए तो HLAR के थ्योरी का ही अपर वर्जन है। ये भी बिलीव करता है कि एक सोवरीन है जो लॉ बनाता है, और इनके अनुसार, कमांड थ्योरी के अनुसार, देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ एनी लॉ। वो क्या है? कमांड, सोवरेन एंड सैंक्शन। कमांड, सोवरेन एंड सैंक्शन। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों ने ऑस्टिन के बाद हम लोगों ने कवर किया था रस्को पाउंड। इन्होंने बोला था सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इनकी थ्योरी क्या है? सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ही बिलीव्स दैट लॉ इज बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। लॉ इज बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। याद होगा कि इंटरेस्ट तीन पार्ट में क्लासिफाइड थे, IPS, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। तो ये मानते हैं कि लॉ इज एक्चुअली बैलेंसिंग ऑफ ऑल द इंटरेस्ट, और सबका मैक्सिमम भला हो सके। तो ये तो रस्को पाउंड की थ्योरी थी। फिर हम लोगों ने किया सैलमंड। सैलमंड बिलीव करते थे नेचुरल लॉ में, ही वॉज अ नेचुरल लॉ थिंकर। इनके हिसाब से अगर कोई लॉ ना भी हो ना, तो सिर्फ जज लोग अपने कॉन्साइंस और इक्विटी के दम पे ही सारा जजमेंट दे देंगे। तो ये तो मतलब मैनमेड लॉज में बिलीव ही नहीं करते थे। ही इज नॉट अ प्रोपाउंडर ऑफ मैनमेड लॉज, एकदम उल्टा, ही इज अ बिलीवर इन नेचुरल लॉज। डज नॉट बिलीव इन मैनमेड लॉज। इनके हिसाब से जूरिस्ट लोग, जो जजेस हैं, दे कैन वर्क मच बेटर, दे कैन एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस इवन विदाउट एनी लॉ। जजेस कैन एडमिनिस्टर जस्टिस
इन एब्सेंस ऑफ लॉ, ये इनकी फिलॉसफी थी सैलमन की। तो जो चारों लीगल थियरीज कल अपने किए थे उसका समरी तुमको अभी बोर्ड पे एक दिख रहा होगा, करेक्ट ना। अभी मैं तुमको और दो थ्योरी जो हम लोग की बची वो कराने जा रहा हूं, तो उसका समरी एक बार लिखा देता हूं और फिर अपने बुक से डिटेल में उसको कवर करेंगे। सैलमन, अब नेक्स्ट नंबर फाइव जो आज करने जा रहे हैं, हेंस केल्सन, इनकी थ्योरी का नाम है प्योर थ्योरी। प्योर थ्योरी मैं समझाते तो और बोलूंगा अभी फिलहाल के लिए। ऑल ऑफ अस नो कि भारत में जितना भी लॉ है उसका फंडामेंटल जन्म किससे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सारे लॉ, सारा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, सारे प्रेसिडेंट का साइन वगैरह, एवरीथिंग, एवरी स्टैट्यूट एंड द लीगल स्ट्रक्चर विच अप्रूव्स द स्टैट्यूट कम्स आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे चीज को लोग बोलते हैं बेसिक नॉर्म या ग्रैंड नॉर्म। तो इन्होंने एक शब्द दिया था जिसका नाम था ग्रैंड नॉर्म, ये एक साथ लिखना है, ग्रैंड नॉर्म, एक साथ एक ही वर्ड है। इट्स नॉट ग्राउंड नॉर्म, इट्स ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म का मतलब होता है बेसिक नॉर्म, बोलता है कि हर लीगल स्ट्रक्चर में ना कोई बेसिक नॉर्म होता है जिससे बाकी सारे लॉ क्रिएट होते हैं। तो इसको बोलते हैं प्योर, सबसे प्योर लॉ कौन सा है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ही बिलीव्स इन द प्योर थ्योरी, प्योर थ्योरी के अनुसार कि सारे के सारे जो लॉ होते हैं वो एक प्योर सोर्स से निकलते हैं जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिसका कोई एनालिसिस नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ पे कौन सा है वो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। All laws arise from grand norm. In our country, that grand norm is constitution. ये और समझ में आ गया जब अपने अभी डिटेल में जाएंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट, हेंस केल्सन के बाद है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का ज्यूरिसप्रूडेंस है एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। जैसा कि नाम है एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, इन्होंने क्या किया था, ही वांटेड टू डू सर्जरी ऑफ एवरी लॉ, ही वांटेड टू डू सर्जरी ऑफ एवरी लॉ टू सी वेदर द लॉ इज कंप्लीट और नॉट। तो इन्होंने ना आठ पॉइंट्स बताए थे, इन्होंने कुछ आठ पॉइंट्स बताए थे कि बोले हर लॉ में अगर ये आठ पॉइंट्स है तो वो कंप्लीट है, वरना वो कंप्लीट नहीं है। So he was basically analyzing the completeness of a law. Analyzing the completeness of law. So इसके लिए इन्होंने कुछ अपने eight points रखे थे कि every law must satisfy the eight points, तब जाके वो complete है। So इसे कहते हैं analytical jurisprudence. Okay. तो लास्ट वाला दो तो अभी मैं डिटेल में पढ़ाने जा ही रहा हूँ तुमको। ये समरी चार्ट जो तुम देख रहे हो तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल किसे रहेगा कि अब तुमको जैसे रिवाइज करते हो तो एंड में भागना है, एकदम रिवाइज करके एग्जाम हॉल में भागना है। तो नाम सवेरे तो याद रहने चाहिए, तो छहों नाम एक साथ है, इन छहों बंदों की थ्योरी जो है वो भी एक साथ, बगल में नाम लिखा हुआ और उनका एक मतलब भी तुम्हारे सामने मौजूद है। तो रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एक बार एक कॉपी करके तुम लोग खत्म करो तो फिर मैं ये जो लास्ट वाले दो थ्योरी है इसमें डिटेल में जाऊंगा नोट्स में। हेंस केल्सन, हेंस केल्सन और जेरेमी बेंथम। ओके, अब इनका डिस्कशन जो है वो तो अपने बुक से होगा, लेकिन हेंस केल्सन की प्योर थ्योरी के लिए मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ। वो डायग्राम हम लोग सब यहाँ पे क्लास में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई होप ये कॉपी हो गया होगा, ऊपर कर रहा हूँ मैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं डायग्राम। हेंस केल्सन, इनकी थियोरी बुक में दी हुई है पेज 1.19 पे, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इट फॉलोज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर, इट फॉलोज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। हम सब पिरामिड से अवेयर हैं, तो इनकी जो थियोरी है वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह, इट इज लाइक अ पिरामिड स्ट्रक्चर।
अभी कैसे वर्क करता है वो मैं तुमको शो करूंगा, ठीक है? मेरे संग संग सबको ही ना ड्रॉ करते रहना भाई। हैंस केल्सन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो ये वर्ड प्योर कहां से आया, पिरामिड क्या है, नहीं है, अभी सब वी विल टॉक, ठीक है? तो ऊपर कर रहे हैं, हाँ ड्रॉ कर देना संग संगी। यार ये स्टैट्यूट जितने भी आप देख रहे हो ये किन्नों ने बनाए, पार्लियामेंट ने बनाए, प्रेसिडेंट ने साइन किया, पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ एंड प्लस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री उन्होंने इसको साइन किया है। अब प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के पास पावर कहां से आया? उनके पास पावर आया देश के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो ये कैसा पिरामिड, एक उल्टा पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर इस तरह से जा रहा है, एक उल्टा पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे पिरामिड के कॉन्स्टिट्यूशन है, उल्टा पिरामिड, इट्स लाइक अ रिवर्स पिरामिड, इनवर्टेड पिरामिड। नीचे सबसे बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रहा है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, फिर उससे निकल रहा है सारे स्टैट्यूट्स। तुम इस डायग्राम को रिवर्स करके भी बना सकते हो, तब ये स्ट्रेट पिरामिड जैसा हो जाएगा, ठीक है? तो एवरीथिंग इज अल्टीमेटली कमिंग डाउन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जितने भी कानून निकल रहे हैं सब संविधान से निकल रहे हैं। आप अलग अलग कानून को चैलेंज कर सकते हो पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एक एकदम शुद्ध लॉ जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिसको कोई एनालाइज नहीं कर सकता, जिसको सबको मानना ही पड़ेगा, वो कौन है? वो संविधान है। तो ऐसे प्योर लॉ को हम कहते हैं बेसिक नॉर्म, या फिर जैसा उन्होंने इसके लिए एक शब्द दिया है, वी कॉल इट ग्रैंड नॉर्म, ठीक है? तो हेनरी, ये हैंस केल्सन की जो थ्योरी है, केल्सन की जो थ्योरी है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की, इनका कहना है कि जितने भी लॉ होते हैं किसी भी देश में वो एक फंडामेंटल सोर्स से निकलते हैं जो चैलेंजेबल नहीं है, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जिसकी एक अपनी वैलिडिटी है, सैंक्शन है, जो एज इफ सारे देश के लोग उसके प्रति कमिटेड है, वो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसे चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस शुद्ध लॉ को जो अनचैलेंजेबल है, इस शुद्ध लॉ को एकदम प्योरेस्ट फॉर्म को बोलते हैं प्योर लॉ या बेसिक नॉर्म या ग्रैंड नॉर्म। इन आवर कंट्री इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। Constitution gives power to Parliament and President, and ultimately Parliament and President together they enact several statutes. तो ये आप देख रहे हो ना, एक पिरामिड स्ट्रक्चर जैसा, मतलब ऐसे ही बना सकते हो आप, ऐसे ही बना सकते हो। ये है अल्टीमेटली Kelsen's प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो Kelsen की प्योर थ्योरी बिलीव करती है कि देर मस्ट बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दैट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉ इज कॉल्ड प्योर लॉ, एकदम अनचैलेंजेबल, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नाउ Kelsen की जो ये थ्योरी है, ऑब्वियसली इसके भी क्रिटिसिज्म है, हम लोग देख रहे थे कि जितने भी लीगल थ्योरी से उसका कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो है ही। तो Kelsen की थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म है, बोला कि पहली बात तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है पर हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। हर देश के लीगल स्ट्रक्चर में इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया नहीं सॉरी, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज है, सब में जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन हो।
देर आर मेनी लीगल स्ट्रक्चर जहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्न नॉर्म है ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, केल्सन का बोलना है कि गवर्न नॉर्म इज नॉट चैलेंजेबल, वो एकदम सबको मानना पड़ेगा, वो सबसे शुद्ध लॉ है, प्योर लॉ है। लोग ये बोलते हैं कि यार ये भी चैलेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स नहीं होते, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो अमेंडमेंट्स होते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम देख रहे हैं इट हैज बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स, कॉन्स्टिट्यूशन को भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है और अमेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, हम सबों ने स्कूल में प्रियाम्बल पढ़ा था और प्रियाम्बल के अंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सेक्युलर वगैरह वर्ड्स थे, तो उसमें सेक्युलर वर्ड जो है ना ये बाद में अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया था, पहले से नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इतना ही प्योर होता एज पर केल्सन तो उसमें तो फिर कभी अमेंडमेंट होते ही नहीं, जबकि हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, इवन जीएसटी पर्पसेस के लिए भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट हो ही रहा है तो ये प्योर लॉ नहीं है, इट इज चैलेंजेबल। तो इसके क्रिटिसिजम्स भी हैं केल्सन के। अब चलो ये केल्सन का जो पूरा डिस्कशन है अपने बुक से करते हैं। ओके, हेनरी केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। केल्सन का भी मानना है कि स्टेट या सोवरीन का रहना जरूरी है, पनिशमेंट्स यानी कि सैंक्शन का रहना जरूरी है, तभी कानून फॉलो होगा। अनलाइन करो प्लीज। तो केल्सन भी मानते हैं कि सैंक्शन जरूरी है, पर केल्सन ने उसके लिए एक शब्द यूज किया जिसका नाम रख दिया नॉर्म, और बेसिक नॉर्म को इन्होंने बोला ग्रैंड नॉर्म। कनेक्ट कर दो ऊपर हेडिंग से इसको लाके नीचे। केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स व्हिच डिराइव देयर वैलिडिटी फ्रॉम सम बेसिक नॉर्म, दैट बेसिक नॉर्म इज कॉल्ड ग्रैंड नॉर्म। और ये बेसिक नॉर्म कहाँ से पैदा होता है, उस देश में चल रहे जो सामाजिक नियम है, सोशल नियम्स, उससे पैदा होता है। तुम्हें याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पेशली राइट ऑफ इक्वालिटी पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस है। क्यों है? बिकॉज हमारे देश में ना इनइक्वालिटी रहा है, कास्ट हमारे देश का बहुत बड़ा एक दुश्मन रहा और इवन आज तक है। हमें लगता है कि कास्टिज्म हट गया पर नहीं हटा है। इलेक्शन के टाइम पे, वोट्स के टाइम पे आपने देखा होगा किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदू है और जो मुस्लिम है अपने अपने कास्ट को ब्रिंग इन करने लग जाती हैं, वोटर्स भी उसी झांसे में फंस जाते हैं। तो इक्वालिटी जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, एकदम वो एक जरूरी चीज है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी पे इतना जोर दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे इतना जोर क्यों है? बिकॉज ब्रिटिश राज जब हमारे ऊपर लगा था तो हमारे पूरे स्पीच एक्सप्रेशन को दबा दिया गया था, मीडिया की आजादी छीन ली गई थी। तो आप देख रहे हो कि जो भी संविधान पैदा हो रहा है वो देश की हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो देश की एक हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो क्या लिखा है, इन हिज व्यू द बेसिक नॉर्म इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशंस एंड इज सपोज टू बी वैलिड बाय इटसेल्फ। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बेसिक नॉर्म कहां से पैदा हुआ है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो से। और ये बात सच है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की एक छाप है, इंडिया की एक हिस्ट्री और एक बैकग्राउंड का रिफ्लेक्शन दिखता है जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आगे ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड पैराग्राफ, मल्टीपल नॉर्म्स विच मेक द लीगल सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अ फाइनल सोर्स, दिस फाइनल सोर्स इज कॉल्ड ग्रैंड नॉर्म। इन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया सारे लॉस कौन बनाता है? पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट को पावर कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन।
हेंस हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन ही ग्रैंड नॉर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स वैलिडिटी, देयर इज नो आंसर एंड देयरफॉर इट इज द ग्रैंड नॉर्म। अब कोई अगर पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन कहां से निकला है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से नहीं निकला, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर लॉ, वो कहीं से नहीं निकला, इसीलिए वो सबसे प्योर है, वो कहीं से डिराइव्ड नहीं है। जो लॉज डिराइव्ड होते हैं वो ग्रैंड नॉर्म नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनीवेयर, वो एकदम ओरिजिनल सोर्स है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रैंड नॉर्म या बेसिक नॉर्म। अब केल्सन की भी तो क्रिटिसिज्म होनी है, चलो देखते हैं क्रिटिसिज्म, ये अनलाइन मार्क हो गया होगा, ठीक है ऊपर कर रहा हूं मैं। क्रिटिसिज्म ऑफ केल्सन, सबसे पहला तो दुनिया के हर लीगल सिस्टम में आपको ग्रैंड नॉर्म नहीं मिलेगा, भारत में है हर जगह ग्रैंड नॉर्म नहीं है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, प्योर थ्योरी आल्सो डज नॉट गिव द टाइम फ्रेम फॉर विच द इफेक्टिवनेस शुड होल्ड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिडिटी टू बी सैटिस्फाइड। प्योर थ्योरी कोई टाइम फ्रेम तो देता नहीं है। टाइम फ्रेम कहने का मतलब है आज एक कोई भी बेसिक नॉर्म सही है या गलत है, वो इट हैज टू बी टेस्टेड टाइम एंड अगेन। कोई भी कानून या बेसिक नॉर्म जो बन गया, इट हैज टू बी टेस्टेड टाइम एंड अगेन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को टेस्ट करने के लिए कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं कि इतने साल बाद देखेंगे कि भाई ये सही है कि नहीं है। थर्ड, केल्सन बोलता है प्योर, जो प्योर लीगल थ्योरी उसको ग्रैंड नॉर्म बोलते हैं, बट आई जस्ट टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशन भी प्योर नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स होते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, इवन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स, सो इट्स नॉट प्योर, सो इट्स नॉट प्योर। लास्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल लॉज डू नॉट सिट वेल विथ केल्सन। केल्सन की जो प्योर थ्योरी है वो इंटरनेशनल लॉज के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल लॉज का कोई ग्रैंड नॉर्म नहीं होता। इंटरनेशनल लॉज जो सब देशों को मानना है, बस ये एक आपस में एफिलिएशन है। तो जो इतने सारे इंटरनेशनल लॉज पैदा होते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने क्रिएट किए, इनका कोई ग्रैंड नॉर्म नहीं होता। ग्रैंड नॉर्म्स देश में तो होते हैं, पर इंटरनेशनली देयर इज नो सिंगल ग्रैंड नॉर्म जहां से निकलता हो। क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेंस केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो डन है अपना केल्सन्स प्योर थ्योरी। केल्सन प्योर थ्योरी के लिए यहां लिख लो रेफर, अच्छा लिख चुके, पिरामिडल स्ट्रक्चर के लिए रेफर कॉपी। अब आ रहे हैं जेरेमी बेंथम एंड एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। मैंने जेरेमी बेंथम के बारे में बोला कि इसके इनकी लीगल थ्योरी को हम लोग एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने 8 पॉइंट्स का क्लिस्ट दे रखा है। बोलता है कि हर वो कानून जो इन 8 कसौटियों पे खरा उतरेगा, दैट्स अ कंप्लीट लॉ, अदरवाइज नॉट। तो इन्होंने लॉ की कंप्लीटनेस को एनालाइज किया कि कोई भी कानून जो है वो कंप्लीट है कि नहीं है, उसको एनालाइज किया जाए। दैट इज व्हाई हियर वी आर लाइक पोकिंग द लॉ, हम लोग लॉ को चैलेंज कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। So we are analyzing the law. That's why it's called analytical jurisprudence. Jeremy Bentham. Unline karna please. इनका मानना है कि अगर हर इंसान खुश रहेगा तो अपने आप ही पूरा समाज खुश रहेगा। तो हिज लीगल थियरी बिलीव्स इन कॉमन गुड, अ लॉ विच इज गुड फॉर एवरीबडी, जो ऑलमोस्ट सबको सेटिस्फाई करे, हैप्पी करे, दैट्स अ गुड लॉ, दैट्स अ कंप्लीट लॉ। द फंक्शन ऑफ लॉ शुड बी टू ब्रिंग अबाउट मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ईच विल रिजल्ट इन द हैप्पीनेस ऑफ ऑल। सो ही बिलीव्स इन कॉमन गुड। He also believes in theory of pain and pleasure. Theory of pain and pleasure basically बहुत simple है। हम ये एक motivational point है हमेशा के लिए कि हम लोग कोई भी वो काम करना चाहते हैं जिसमें हमको pleasure मिले।
एंड वी डोंट डू दोज थिंग्स जिससे हमको पेन मिले। ये सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर। आप चाहते हो कि अगर देश के लोग कोई काम करें तो आप उनको दो तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, या तो आप वो काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हो मतलब प्लेजर, या फिर अगर वो काम ना करें तो उनपे पेन इंड्यूस कर सकते हो लाइक पनिशमेंट के फॉर्म में। ठीक है, नाउ पेन एंड प्लेजर वाली थियरी, ये भी इन्हीं का बोलना है कि लीगल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बनाया हुआ होना चाहिए कि विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पेन एंड प्लेजर। ये भी इनकी एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है इस थियरी की। सेकेंड, एनालिसिस ऑफ स्टैट्यूट फॉर इट्स कंप्लीटनेस बेस्ड ऑन एट पॉइंट्स। हर स्टैट्यूट को एनालाइज करेंगे फॉर इट्स कंप्लीटनेस। अब वो एट पॉइंट्स अगले पेज में आ रहा है, डिस्कस करूंगा मैं। ऊपर मूव कर रहे हैं, ये रहे आठ पॉइंट्स अगले पेज पे तुम्हारे सामने। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? सोर्स। हर लॉ का एक सोर्स होता है, इंडिया में वो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। द सोर्स ऑफ लॉ इज द विल ऑफ द सोवरीन। हमारे यहां सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से निकलते हैं सारे लॉ। तो एक सोर्स होना चाहिए, एक स्टेट होना चाहिए, सोवरीन होना चाहिए जो लॉ बनाता है। सेकंड, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट मतलब लॉ का सब्जेक्ट मैटर क्या है? अच्छा देखो, सब्जेक्ट का एक वर्ड तुमने शायद सुना होगा, राजा प्रजा। राजा इज किंग, प्रजा इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है वो लॉ किस चीज को गवर्न करता है। तो जितने भी लॉज हैं वो गवर्न करते हैं या तो लोगों को, पीपल, या फिर प्रॉपर्टी को। सब्जेक्ट मतलब होता है कि लॉ किसको गवर्न कर रहा है, जो लॉ बना रहे हो वो किसको गवर्न कर रहा है। लॉ जिन चीजों को, जिन तत्वों को गवर्न करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट किसको गवर्न करता है? असेसीज को, पर्संस को। हम सब जानते हैं कि देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ पर्संस, इंडिविजुअल, हिंदू, अंडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीयूआई, एजेपी एंड लोकल अथॉरिटी। सो देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ पर्संस, इन्हें असेसीज भी बोलते हैं। असेसीज हु इज असेसेबल टू इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स लॉ किसके ऊपर लागू होता है? लागू किस पे होता है, किसको गवर्न करता है? लोगों को, पीपल को। ठीक है, जीएसटी एक्ट किस पे लागू होता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो वहां गुड्स एंड सर्विसेज इज द सब्जेक्ट ऑफ द लॉ। सब्जेक्ट मतलब होता है कि भाई वो जो लॉ है वो किस चीज को गवर्न कर रहा है। इनकम टैक्स एक्ट असेसीज को गवर्न करता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज को गवर्न करता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सिंपल, इट मींस पर्पस। हर लॉ का एक पर्पस होना चाहिए। तो तीन एलिमेंट जो हम लोगों ने अभी देखे, सोर्स, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सोर्स मतलब संविधान एंड सोवरीन, सरकार। सब्जेक्ट मतलब वो लॉ किसको गवर्न करता है, पीपल को या प्रॉपर्टी को। एंड ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस। चौथा, एक्सटेंट। एक्सटेंट दो तरह से हो सकते हैं। एक्सटेंट एक होता है कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ अ लॉ। जैसे तुम लोगों को मालूम होगा, भारत में जितने भी लॉज हैं उनके सेक्शन नंबर 1 में लिखा हुआ रहता है, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा रहता है ना। इसको बोलते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट या ज्योग्राफिक एक्सटेंट, एक ये हो गया। और दूसरा होता है एक्सटेंट मतलब कि ये लॉ किन लोगों पर लागू होता है, किन चीजों पर लागू होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो एक्सटेंट के बगल में लिखो एप्लीकेबिलिटी, कि मतलब ये कहां कहां एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ। यू कैन ऑल्सो राइट टेरिटोरियल एक्सटेंट। तो लॉ का एक दायरा, एक बाउंड्री डिफाइंड होना चाहिए कि लॉ किस बाउंड्री के अंदर ऑपरेट करता है। तो चार पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, पहला है सोर्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अभी चौथा है एक्सटेंट। नेक्स्ट, एस्पेक्ट्स। एवरी लॉ हैज अ डायरेक्टिव एंड अ सैंक्शनल पार्ट। दो पार्ट होते हैं, डायरेक्टिव पार्ट मतलब आप लोगों को ये सब करना है, सैंक्शन पार्ट मतलब अगर नहीं किया तो सजा क्या होगी। तो डायरेक्टिव मींस व्हाट इज टू बी डन एंड सैंक्शन मींस व्हाट इफ इट इज नॉट डन, व्हाट विल बी द पनिशमेंट फॉर इट। फोर्स,
हर लॉ का एक फोर्स होता है। फोर्स किस चीज से आता है, पनिशमेंट से या सैंक्शन से? वरना लॉ तो कोई फिर फॉलो ही नहीं करेगा ना, अगर उसमें पनिशमेंट्स नहीं रहेंगे। तो लॉ को अगर कंपलसरी बनाना है, मैंडेटरी बनाना है, तो इट नीड्स अ फोर्स, दैट फोर्स इज जनरली पनिशमेंट, रेमेडियल अपेंडेज। ऑलमोस्ट हर लॉ के अंदर एडजुडिकेशन प्रोसीजर होता है। एडजुडिकेशन प्रोसीजर मतलब होता है कि जैसे कंपनी लॉ में भी एडजुडिकेशन पोर्शन आता है लास्ट में, कि अगर लॉ है और लॉ को वॉयलेट किया जा रहा है, ऑफेंस हो रहा है, तो कौन जज बनेगा, कैसे कैसे कोर्ट होंगे, स्पेशल कोर्ट, एनसीएलटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, रीजनल डायरेक्टर, वो लोग कैसे कैसे सजा सुनाएंगे, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, सर्च एंड सीजर कैसे होगा, मतलब रेड कैसे होगा, ऑल ऑफ दैट। तो दैट्स कॉल्ड एडजुडिकेशन प्रोसीजर। तो हर लॉ के अंदर एक रेमेडियल अपेंडेज होता है। अपेंडेज का मतलब होता है अपेंडिक्स। अपेंडेज का मतलब क्या होता है, अपेंडिक्स। तो आपके लॉ के अंदर एक एक्स्ट्रा चैप्टर डाला हुआ है एक्स्ट्रा, जिसका नाम है एडजुडिकेशन प्रोसीजर, दैट इज द रेमेडी, कि अगर लॉ का वायलेशन होगा तो रेमेडी क्या है, किस तरह से सजा सुनाई जाएगी, कैसे हम लोग ब्रिंग, वी विल ब्रिंग द पीपल टू जस्टिस। तो इसके बगल में लिखो एडजुडिकेशन प्रोसीजर। एडजुडिकेशन प्रोसीजर। एंड लास्ट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब हो गया लैंग्वेज। लॉ की एक लैंग्वेज होती है, इट इज द रिटन एक्सप्रेशन ऑफ द सोवरेन्स विल, ये डायलॉग बोला जाता है। व्हाट इज लॉ, लॉ इज द रिटन एक्सप्रेशन ऑफ द सोवरेन्स विल। सरकार जो चाहती है उन्होंने उसी को शब्दों में बयान करके कानून आपके सामने रखा है। द एक्सप्रेशन और द लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट, बिकॉज अगर लैंग्वेज गड़बड़ है या एम्बिगुअस है तो इसमें फिर लोगों को फॉलो करने में बहुत दिक्कत होगी। तो अल्टीमेटली दिस मैन बेंथम, ही सेट आउट टू पुट 8 पॉइंट्स, जिसके बेसिस में आप किसी भी लॉ को एनालाइज कर सकते हो कि वो कंप्लीट है कि नहीं है। एक एक करके फिर से तुम लोग इसमें क्या करोगे ना, जो कैप्शन में बोल्ड नाम दिया हुआ है वो याद करोगे, और उसका मीनिंग देखो सिंपल में मैंने लिखा दिया है। सबसे पहले क्या है, सोर्स। सोर्स का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सोवरीन, जहां से वो लॉ पैदा हो रहा है। सेकंड क्या है, सब्जेक्ट। हर लॉ कोई चीज को गवर्न करता है, तो जिस चीज को वो गवर्न करता है, पीपल या प्रॉपर्टी और थिंग, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तीसरा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, पर्पस ऑफ द लॉ। चौथा एक्सटेंट, लॉ की बाउंड्री कहां तक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट कहां तक है, एप्लीकेबिलिटी कहां तक है। पांच नंबर एस्पेक्ट, लॉ में दो एस्पेक्ट होते हैं, डायरेक्टिव एंड सैंक्शनल। डायरेक्टिव टेल्स पीपल व्हाट टू डू, एंड सैंक्शन टेल्स व्हाट इफ इट इज नॉट डन देन पनिशमेंट क्या होगा। फाइव नंबर हो गया। सिक्स फोर्स, लॉ को अगर मैंडेटरी बनाना है तो उसके पीछे फोर्स क्या होगा, पनिशमेंट होगा। सेवन रेमेडियल अपेंडेज, अगर लॉ का वायोलेशन हुआ तो क्या रेमेडी है, इसके ऊपर पूरा एक अपेंडेज यानी कि एक अलग से चैप्टर होता है, जिसको हम कहते हैं एडजुडिकेशन प्रोसीजर। ये आपको हर लॉ में मिलेगा, इनकम टैक्स में भी है, जीएसटी में भी है, कंपनी लॉ में भी है। आठ नंबर एक्सप्रेशन, लॉ का लैंग्वेज। आफ्टर ऑल लॉ मस्ट बी रिटन, जितने भी स्टैट्यूट्स हैं इंडिया में वो तो रिटन है ना, स्टैट्यूट्स का वीडियो तो नहीं है, स्टैट्यूट्स तो रिटन है, तो इट्स एन एक्सप्रेशन। तो दिस मैन वांटेड टू एनालाइज ईच एंड एवरी लॉ बेस्ड ऑन दीज 8 पॉइंट्स। अब बेंथम की क्रिटिसिज्म क्या है, बेंथम ने लॉ को क्या किया ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेट जैकेट कर दिया, मतलब दायरा लॉ का कम कर दिया। इनका बोलना है All laws have to be either command or permission. इनके अनुसार हर लॉ या तो लोगों को कुछ कमांड दे रहा है या बोल रहा है कि परमिशन लो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लॉज कमांड परमिशन नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई कमांड नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिंपली गिव्स प्रिंसिपल्स, जिस प्रिंसिपल्स के बेसिस में लोग अपने आप ही आपस में बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, तो वो कमांड भी नहीं है और परमिशन भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लो, एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है अंदर में, टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, बेंथम। अच्छा, बेंथम ने एक ही बात बोला कि लॉ का एक सोर्स होता है, वो सोर्स क्या होता है, सोवरीन, सरकार। क्यों, जज लोग लॉ नहीं बनाते, परंपराओं से लॉ नहीं बनता। हम लोग जब प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ रहे थे, कल ही तो हम लोगों ने प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ा था, चार प्राइमरी सोर्सेज में याद दिलाना चाहूंगा। पहला प्राइमरी सोर्स क्या, कस्टम, परंपरा। दूसरा प्राइमरी सोर्स क्या था, प्रिसीडेंट, प्रिसीडेंट मतलब जज लोग के डिसीजन। तीसरा प्राइमरी सोर्स था स्टैट्यूट इटसेल्फ, एंड चौथा प्राइमरी सोर्स था पर्सनल लॉ। तो पहले दो प्राइमरी सोर्स जो थे वो क्या थे, परंपरा, कस्टम,
एंड दूसरा जुडिशियल डिसीजन, इस आदमी ने उनको रिकग्नाइज ही नहीं किया. ही डज नॉट गिव अ फेयर ट्रीटमेंट टू कस्टम एंड टू जज मेड लॉज ऑल्सो. ना ये कस्टम में बिलीव करता है ना प्रेसिडेंट्स. इसके हिसाब से सारे लॉ का एक ही सोर्स है और वो है सोवरीन. ही बिलीव्स इन द पेन प्लेजर प्रिंसिपल. ये भी एक क्रिटिसिज्म है. हर चीज को हम लोग पेन और प्लेजर के बेसिस में क्लासिफाई नहीं कर सकते. एंड लास्ट, इनका बोलना कि इंडिविजुअल लोग अगर हैप्पी होंगे अलग अलग सब, तो ओवरऑल समाज हैप्पी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. बिकॉज किसी एक इंसान की खुशी कभी कभी किसी दूसरे इंसान का दुख भी हो सकता है. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट हैप्पीनेस ऑफ ईच एंड एवरीवन विल रिजल्ट इन ओवरऑल हैप्पीनेस. किसी एक का दुख दूसरे का खुशी भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं कि सब अगर खुश होंगे तो ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ेगा. तो दैट्स द क्रिटिसिज्म. अब क्वेश्चन शॉर्ट नोट है हमारे सामने. डिस्कस नोट्स ऑन बेंथम एंड एनालिटिकल जुरिसप्रूडेंस. इसमें तुम क्या करना, तुम जो ऊपर मैंने लाइंस बोले हैं ना, दिखा देता हूँ. ये रहे, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है कॉमन गुड और पॉइंट नंबर टू, एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी स्टैट्यूट ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स ऑन द एट ग्राउंड्स टू सी वेदर इट इज कम्प्लीट और नॉट, ये बोलना इंट्रोडक्शन में. और फिर ये आठ पॉइंट्स है ना, कोशिश करना कि इन आठ पॉइंट का नाम और जो मैंने बगल में एक एक वर्ड में मीनिंग बताया वो लिख के आ जाना, ठीक है. अगर क्रिटिसिज्म वो लोग अलग से पूछें तो बताओ, वरना क्रिटिसिज्म अलग से बताने की जरूरत नहीं है. सो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन ऑल द वेरियस लॉज थियरीज. एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ तुमको. ये देख लो इधर, ये समरी चार्ट अपने क्लास में बनाए थे, वेरियस लीगल थियरीज. सबका नाम याद करो, सबका मतलब याद करो. सबसे पहला कौन सा, प्रोफेसर एचएलए हार्ट, इनकी लीगल थियरी का नाम क्या, पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म मतलब बेसिकली ही बिलीव्स इन मैनमेड लॉस एंड ही बिलीव्स इन द पावर ऑफ द स्टेट या सॉवरीन, जो लॉ बनाता है. सेकेंड है ऑस्टिन. ऑस्टिन की थियरी का नाम क्या था, कमांड थियरी. ही बिलीव्स दैट एवरी लॉ हैज गॉट थ्री एलिमेंट्स, कमांड, सॉवरीन एंड स्टेट. तीसरा कौन है, रस्को पॉन्ड. रस्को पॉन्ड की थ्योरी का नाम क्या, सोशियोलॉजिकल थ्योरी. ही बिलीव्स दैट लॉ का अल्टीमेट पर्पस होता है बैलेंसिंग ऑफ ऑल इंटरेस्ट. सो इनकी थ्योरी को इंटरेस्ट बैलेंसिंग थ्योरी भी बोलते हैं. चौथा कौन है, सैलमंड. ही वाज अ नेचुरल लॉ थिंकर. ही प्रोपाउंडेड नेचुरल लॉ. ही डज नॉट बिलीव इन द मैनमेड लॉज. ही बिलीव्स दैट अगर जज लोग को, वी लीव द जजेस अनफेटर्ड ऑन देयर ओन डिस्क्रिशन, की खुद अपने मन से अपना इक्विटी एंड कॉन्साइंस लगा के जजमेंट दें, तो हमें कोई लॉ की भी जरूरत है ही नहीं. बिकॉज ही इज अ नेचुरल लॉ थिंकर, ही डज नॉट बिलीव इन मैनमेड लॉज. पांचवा केल्सन, प्योर थियरी. ही बिलीव्स दैट लॉ इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर एंड ऑल द अदर लॉज इमेनेट फ्रॉम अ प्योर लॉ. प्योर लॉ इज अनक्वेश्चनेबल, अनचैलेंजेबल, नोबडी कैन क्वेश्चन द प्योर लॉ. प्योर लॉ का कोई सोर्स नहीं होता, वो कहीं से ड्राइव नहीं होता, वो एकदम ओरिजिनल होता है. तो हमारे देश का प्योर लॉ कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन. और लास्ट में जेरेमी बेंथम की एनालिटिकल जुरिसप्रूडेंस. ही वॉन्टेड टू एनालाइज द कंप्लीटनेस ऑफ एवरी लॉ बेस्ड ऑन एट पॉइंट्स, ठीक है. तो ये अपना लीगल थियरीज हो गया. अभी एक टॉपिक हम लोग का छोटा सा बचा हुआ है. वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. एक टॉपिक है जिसका नाम है जुरिसप्रूडेंस, उसमें भी काफी हो चुका अपना. ये रहा जुरिसप्रूडेंस, इसका पेज है 1.15. इस जुरिसप्रूडेंस टॉपिक में पहला टॉपिक जो है व्हाट इज जुरिसप्रूडेंस, ये मैं पढ़ा चुका था कल ही. एनालिटिकल जुरिसप्रूडेंस अभी अपने जस्ट पढ़े ना, तीन तरह के जुरिसप्रूडेंस में दिए हैं. पहला एनालिटिकल, ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया. इसके बगल में लिखो बेंथम. बेंथम का पेज है 1.19. तो तुम एनालिटिकल जुरिसप्रूडेंस के ऊपर, अगेन मैं बोलूंगा, यहां से अगर पढ़ोगे एनालिटिकल जुरिसप्रूडेंस तो तकलीफ होगा, बेंथम की थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा. अब लास्ट है टेलियोलॉजिकल जुरिसप्रूडेंस. इसके ऊपर पर्टिकुलरली कोई अलग से लीगल थियरी अपना था नहीं. टेलियोलॉजिकल जुरिसप्रूडेंस क्या होता है, एम्फसाइजेस, ये यहीं से पढ़ना है हम लोग को. टेलियोलॉजिकल जुरिसप्रूडेंस का फोकस है कि अगर हम लोग बस ये माने कि लॉ समाज से पैदा हुआ और समाज में जो हो रहा है उन फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाए और लॉ बना दिया जाए, जैसा कि इन्होंने किया था रस्को पाउंड ने. रस्को पाउंड तो यही बोल रहा था ना कि सबके इंटरेस्ट को टैबुलेट करो,
इवैल्यूएट करो और उस बेसिस में लॉ बना दो, ठीक है। ये वैसा नहीं मानते, ये बोलते कि हर लॉ का एक सुप्रीम पर्पस है एंड लॉ शुड सर्व इट्स सुप्रीम पर्पस। हाईलाइट करना सुप्रीम एंड्स विच लॉ शुड फॉलो। इन्होंने बोला लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन, ह्यूमन रैशनिंग, जजमेंट एंड इट इज गवर्न्ड बाय अ पर्पस, अ नोशन। तो टेलियोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस बिलीव्स इन द स्पिरिट ऑफ लॉ। हम लोग कितनी बार बोलते हैं ना लेटर ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ द लॉ, दिस वन बिलीव्स इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। स्पिरिट मतलब वही होता है पर्पस ऑफ लॉ, दैट इज टेलियोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस। तो अब यहां पर आके हम लोगों का ये चैप्टर नंबर 1 सोर्स ऑफ लॉ पूरा कंप्लीट होता है। आई होप ये जो हमारा ऑलमोस्ट डिस्कशन हुआ है रफली ढाई क्लास टाइप का डिस्कशन हुआ है, अभी थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाया इंक्लूड करके, तो इससे तुमको एक आइडिया हुआ होगा कि जुरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट क्या है। सीएस के सिलेबस में अगर मैं ग्रुप वन की बात करूं तो ग्रुप वन में सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो समझने में दिक्कत होती है वो जुरिस्प्रूडेंस है। तो ये ढाई क्लासों में मैंने बहुत एफर्ट डाला है जुरिस्प्रूडेंस पे, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि देखो ऐसा होता है सब्जेक्ट, ठीक है। नोट्स अपने पूरे कंप्लीट थे, मैंने एक्सप्लेन किया, आई यूज सिंपल वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स कराया, और तुम अगर इनको बार 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 रिवाइज करोगे तो बहुत तुमको फायदा होगा, तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस पेपर में। पहला पेपर अगर एग्जाम में अच्छा जाता है तो बाकी तीन पेपर्स पे भी डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा। इसको अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, फिर अब हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वो भी इसी सब्जेक्ट में है। पहला चैप्टर सोर्स ऑफ लॉ है, मेरे ख्याल से आईटी एक्ट जो है दैट इज द लास्ट चैप्टर इन आवर बुक। तो अभी नया चैप्टर मैं चालू करने जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000।